हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। सो आज के वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ, बट उससे पहले अगर आप मेरे रिसेंट के वीडियोस देख रहे हो सो आप लोग को पता है कि मैंने थोड़ा सा मेरा स्किन केयर है या फिर जो मेकअप करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, एंड वो है एक सनस्क्रीन। मैं सनस्क्रीन पहले लगाती हूँ अपना मेकअप करने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली अभी समर्स आ चुके हैं एंड जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे सनस्क्रीन का इम्पॉर्टेंस समझ में आ रहा है मेरी स्किन के ऊपर। और आप देख सकते हो कि सनस्क्रीन यूज करने से मेरा स्किन कितना यूथफुल लगता है। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैं कौन सा सनस्क्रीन आज रिव्यू करने वाली हूँ, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। Okay, so before starting this video, if you guys are interested in knowing how I did this pretty makeup look, then इसका link जो है वो मैं description box में दे दूंगी, so make sure to check that out. तो आइए चलिए देखते हैं आज मैं कौन सी सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाली। सो द सनस्क्रीन दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइज इज बाय द ब्रांड रीविंटो, एंड दिस इज देयर व्हाइटनिंग रेडियंट सनब्लॉक लोशन, एंड दिस हैज एसपीएफ 50। यस, इट हैज एसपीएफ 50। सो आप लोग को पता है अगर आप इंडिया में रहते हो तो एसपीएफ 50 के नीचे कोई भी सनस्क्रीन आप यूज करते हो तो वो कुछ भी काम नहीं आता है, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा धूप होती है एंड ऑब्वियसली अभी समर्स आ चुके हैं। आप भले ही घर के अंदर तो भी सनस्क्रीन लगाना इज अ मस्ट। सनस्क्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन, सो यू शुड डेफिनेटली यूज अ सनस्क्रीन। जब भी आप अपना स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, आप घर के अंदर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, बट सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है आपके स्किन के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पैकेजिंग की। तो एज यू कैन सी, इसे ब्लैक कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन में इन्होंने इसका पैकेजिंग दिया हुआ है। अभी अंदर से देखते हैं ये सनस्क्रीन कैसी है। सो दिस इज हाउ द ट्यूब लुक्स लाइक। तो इट्स अ प्रिटी डिसेंट ट्यूब एंड दिस इज 50 ग्राम, और ये 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स आपको पड़ेगा 370 रुपीज। आप इस सनस्क्रीन को रीविंटो के वेबसाइट से ले सकते हो, जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप जाके वो चेक कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप ये सनस्क्रीन बाय करते हो तो इससे मुझे कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलने वाला है, ना मुझे इससे कोई कमाई होने वाली है। सो दैट्स अ लिटिल डिस्क्लेमर आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू गाइज। सो दिस इज गोइंग टू बी माई वेरी ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस सनस्क्रीन। सो दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक, एंड एज यू कैन सी मैंने इतना सारा प्रोडक्ट यूज ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। सो अभी बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, इट्स अ क्रीम कंसिस्टेंसी, क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी है ये। बट अनलाइक अदर सनस्क्रीन ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। एज यू कैन सी इट्स जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर, बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। प्लस एज यू कैन सी कितना अच्छे से शीन दे रहा है मेरे स्किन के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। एज यू कैन सी ऊपर से इसमें एसपीएफ 50 है, विच इज अ प्लस पॉइंट। एज यू कैन सी ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है मेरी स्किन पे, एंड व्हाट सो एवर इसने बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ा है मेरे हाथ के ऊपर। बहुत से सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जो व्हाइट कास्ट छोड़ते हैं और वो व्हाइट कास्ट मतलब बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ही नहीं होता है स्किन में, विच लुक्स वेरी बैड ऑन द स्किन। बट ये वाला जो सनस्क्रीन है बिल्कुल ही व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, एंड एज यू कैन सी मेरी स्किन को इसने इतने अच्छे से हाइड्रेट किया है, मॉइस्चराइज किया है। ऑल्सो ये सनस्क्रीन में विटामिन ई है, शिया बटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एलोवेरा है, सो इतने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस सनस्क्रीन में आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने नेचुरल हर्बल फॉर्मुलेशन के साथ में ये सनस्क्रीन बनाई हुई है, विच इज प्योरली सेफ ऑन योर स्किन। ऑल्सो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पैच टेस्ट आपके ईयर के पीछे आप कर सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सनस्क्रीन आपको सूट करेगी या नहीं। ऑल्सो ये सनस्क्रीन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब अगर आपको पसीना आता भी है तो भी ये सनस्क्रीन कहीं नहीं जाने वाले आपके फेस के ऊपर से। प्लस दिस इज अ वेरी लाइट वेट सनस्क्रीन, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कुछ हैवी आपने अप्लाई किया है, ये एकदम आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑल्सो ये आपके पोर्स जो है वो बिल्कुल भी
क्लॉग नहीं करेगा। बहुत से सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जो लगाने के बाद पोर्स जो है वो क्लॉग करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने आता है, बट ये वाला जो सनस्क्रीन है ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये आपके पोर्स को जो है वो बिल्कुल ही क्लॉग नहीं करेगा, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हो। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है देन डेफिनेटली गो फॉर दिस, ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। सो नाउ यू गाइज नो दैट आई एम अ ऑयली स्किन टाइप पर्सन, तो मेरे लिए ये सनस्क्रीन जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आई वुड ऑब्वियसली नॉट यूज दिस सनस्क्रीन इन एक्सट्रीम समर्स, क्योंकि समर में इतना ज्यादा मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट फॉर विंटर्स, ऐसे नहीं है कि विंटर्स में सनस्क्रीन नहीं यूज करनी चाहिए, विंटर्स हो, समर्स हो, रेनी सीजन हो, यू हैव टू अप्लाई योर सनस्क्रीन व्हाट सो एवर। सो आई थिंक फॉर विंटर दिस इज एन अप्रोप्रिएट सनस्क्रीन फॉर मी बिकॉज आई एम एन ऑयली स्किन टाइप। सो अगर आपकी ड्राई, नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये सनस्क्रीन को जरूर से यूज कर सकते हो, बट फॉर ऑयली स्किन टाइप आई वुड नॉट सजेस्ट दिस सनस्क्रीन स्पेशली इन समर्स। बींग सेड दैट, मुझे और एक पॉइंट एड करना है कि अभी हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में स्पेशली बहुत ज्यादा सख्ती से उन्होंने लॉकडाउन अभी चालू किया है, प्लस बाकी स्टेट्स में भी लॉकडाउन चालू हो गया है। सो अभी हम सब लोग घर में ही रहने वाले हैं एंड घर में वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर एसी या फिर फैन जो भी हो, हम इतना पसीना या फिर इतना समर से हम लोग डील नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हम सब लोग घर में बैठे हैं। एंड आप ये सनस्क्रीन आराम से यूज कर सकते हो। एज यू कैन सी मैंने इतनी सनस्क्रीन इसीलिए फिनिश की है क्योंकि ऑब्वियसली हम सब लोग घर पे ही होते हैं एंड घर पे ये सनस्क्रीन यूज करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज लाइट वेट एंड ऑल्सो इट हैज एसपीएफ 50 विच इज अ प्लस पॉइंट। सो दिस 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट विल कॉस्ट यू 370 रुपीज विच इज द वर्थ, क्योंकि सनस्क्रीन ऑब्वियसली महंगे होते हैं, बट आई थिंक आपको इस सनस्क्रीन को ट्राई करना चाहिए। एंड अगर आप ये सनस्क्रीन अभी ऑर्डर करते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इनके वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अभी ये सनस्क्रीन के ऊपर ऑफ चल रहा है। सो अगर आपको कोई भी एक सनस्क्रीन चाहिए जो बजट में हो, लाइट वेट हो, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस सनस्क्रीन। दिस इज बाय द ब्रांड रीविंटो, दिस इज देयर व्हाइटनिंग रेडियंट सनब्लॉक लोशन। डू चेक दिस सनस्क्रीन आउट ऑन देयर वेबसाइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना एंड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि मैं दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रिव्यू करूं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।